सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। सो यार, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपकी फेवरेट एनिमे सीरीज से कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो कि यार तुम लोग नोटिस नहीं कर पाए, जैसे कि यार तुम लोग सब्सक्राइब और लाइक बटन को नोटिस नहीं करते। सो यार, वीडियो काफी कमाल की होने वाली है। सो गाइस, चलो करते हैं आज की कमाल की वीडियो को स्टार्ट। अब यार सबसे पहली चीज जो कि आप लोग नोटिस नहीं कर पाए वो है डोरेमोन से। सो जो डोरेमोन और नोबिता है वो अपने दोस्तों के ऊपर इतने सारे एहसान करते हैं, तो यार अगर वो उन एहसानों के बदले में पैसे लेने लग गए तो देखो उनके पास कितने पैसे आ जाएंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं सिज़ुका की। तो यार एक एपिसोड में हमें ये देखने को मिला था कि सिज़ुका का एक डॉगी था जो कि यार मर गया था। डोरेमोन और नोबिता ने उसको भी वापस से जिंदा करा था, मतलब यार ये काफी बड़ी बात है। यार अब बात करें जियान के बारे में, तो यार जियान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी बहन। जैको का फ्यूचर भी डोरेमोन और नोबिता की वजह से ही बना है। सबसे पहले तो यार डोरेमोन और नोबिता ने जैको की दोस्ती कराई मोटियो से, जिसकी वजह से जैको फ्यूचर में जाके एक बहुत बड़ी मांगा आर्टिस्ट बन जाती है और उसका फ्यूचर सेट हो जाता है। बात करें सुनियो की, तो यार सुनियो और बाकी सभी दोस्तों को नोबिता और डोरेमोन इतनी सारी जगह घूमने लेके जाते हैं, स्पेस में लेके जाते हैं, नए नए एडवेंचर पे लेके जाते हैं, और वो भी यार डोरेमोन बिल्कुल फ्री में करवाता है। यहाँ पर यार अपने दोस्त के पैसे थोड़ी देर काम क्या कर लो, वो बार बार रिफिल चेक करने लग जाता है। एक दोस्त तो यार ऐसा था कि उसने निशान लगा के दिया था रिफिल में, और तुम में से तो कोई ऐसा नहीं होगा, तो यार हो तो ऐसा मत करा करो यार। बुरा लगता है भाई, आप दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। अब यार रिसेंटली में एक कंपनी जिसका नाम है SpaceX, कुछ लोगों को स्पेस में ले जाने के लिए लिए थे 58 मिलियन US डॉलर्स, यानी कि यार 400 करोड़। अब यार डोरेमोन और नोबिता बिल्कुल फ्री में लेके जाते हैं अपने सारे दोस्तों को हर जगह पे स्पेस में लेके जाते हैं। सो यार अब बात करते हैं शिनचैन की प्रिंसिपल की। तो यार तुम में से बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते होगे, पर जो शिनचैन के प्रिंसिपल है वो असल में गरीब इंसान है। तो यार तुम लोग बोलोगे कि आखिर कैसे। सो यार इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि शिनचैन के जो प्रिंसिपल है वो खुद ही अपनी स्कूल बस को ड्राइव करते हैं और सारे बच्चों को लेने जाते हैं। मतलब यार उनकी इतनी भी कमाई नहीं होती कि वो ड्राइवर को पैसे दे पाए। और इस चीज का दूसरा प्रूफ है टीचर्स। उनके स्कूल में सिर्फ 3 ही टीचर्स हैं और वो इससे ज्यादा टीचरों को इसलिए नहीं रखते कि और टीचरों को पेमेंट देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। अब यार ये देखो एक इमेज, ये देखो उनकी प्रिंसिपल बनने से पहले की कुछ इमेजेस। यार फुजिको फुजिको की सीरीज में आप लोग जानते होंगे कि यार बहुत सारे करेक्टर एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, जैसे कि यार सुनियो के सिमिलर टोंगारी है किद्रासु सीरीज में, और सुनियो की तरह ही दिखने वाला एक करेक्टर परमैन की सीरीज में भी है। अब यार फुजिको फुजिको की ही एक सीरीज है जिसका नाम है चिंपुई, जो कि यार आया करती थी पोगो चैनल पे। अब उसमें यार क्या था कि जो मेन करेक्टर थी वो एक फीमेल करेक्टर थी, तो फिर यार इसीलिए उसमें सुनियो की जो रिप्लेसमेंट थी वो भी एक फीमेल ही थी। अब यार ये उतनी भी हैरानी की बात नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि अगर आप लोग सुनियो की फ्यूचर वाइफ को देखोगे जो कि यार ऐसी दिखती है, और इस लड़की को देखोगे तो यार ये दोनों काफी हद तक सिमिलर हैं। और यार इससे एक बहुत बड़ी चीज ये सामने आती है कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो ये लड़की है चिंपुई सीरीज वाली, वही असल में सुनियो की फ्यूचर वाइफ होने वाली है, और ये सुनियो की तरह काफी अमीर भी है। वैसे यार तुम्हें इस चीज के बारे में क्या लगता है कमेंट करके जरूर सही बता देना। तुम लोग जानते होगे परमैन सीरीज के एक करेक्टर को जिसका नाम है बर्डमैन। तो यार जो बर्डमैन है वो किसी दूसरे प्लेनेट से आया है, और उस प्लेनेट का जो नाम है वो है बर्ड प्लेनेट। अब यार जो बर्ड प्लेनेट है वो आता है अल्फा सेंटोरी नाम के एक स्टार सिस्टम में। मतलब यार जो बर्डमैन है वो अल्फा सेंटोरी से आया है। यार रियल लाइफ में हमारे सूरज के सबसे करीब कोई दूसरा सूरज आता है तो यार वो है अल्फा सेंटोरी। यार मतलब सही में काफी बड़ी चीज है। यार साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि अल्फा सेंटोरी में एक ऐसा प्लेनेट आता है जिसमें यार लाइफ के एग्जिस्ट करने की बहुत ज्यादा संभावना है। और जैसे कि यार तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि सिज़ुका डेकीसुकी के साथ बैठी हुई है और डोरेमोन और नोबिता के गैजेट पे बैठी है। मतलब यार अब कमेंट में ऐसा मत लिखना कि मैं हेट फैला रहा हूँ, मैं तो बस तुम लोगों को ये प्यारी सी इमेज दिखा रहा था। सिज़ुका को क्यों हेट फैलाऊंगा यार, सिज़ुका सबसे बुरी फुज़िको गर्ल नहीं है। जो यार मेरे ख्याल से सबसे बुरी फुज़िको गर्ल है वो है युमिको, क्योंकि यार ये बहुत ज्यादा गुस्सा भी करती है और युमिको काफी चालाक भी है। निंजा हथौड़ी केनिची और अमारा तीनों में ही इसका इंटरेस्ट है, और मेरे ख्याल से यार ये निंजा हथौड़ी सीरीज की मेन गर्ल नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से यार मेन गर्ल होनी चाहिए सोनम, क्योंकि यार वो काफी अच्छी और सभी लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इसके बाद यार हम लोग बात करते हैं किद्रासु के बारे में। सो यार किद्रासु की एक लाइव एक्शन ड्रामा भी आ रखा है 2002 में, इंडिया में नहीं यार जापान में। जैसा कि यार तुम लोग इमेज में देख रहे हो, ये है किद्रासु, ये है कोरुसुके, और शायद ये मियोको है। यार नेक्स्ट चीज बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है। तो यार तुम लोग भी ये बात जरूर से ही सोचते होगे कि यार जो नोबिता है अगर वो पढ़ने में इतना ही कमजोर है तो यार वो आखिर 4th क्लास तक कैसे पहुंच गया, वो भी यार बिना एक भी बार फेल हुए। तो यार रीजन ये है कि जापान में एलिमेंट्री स्कूल में एग्जाम होते नहीं है। सर एग्जाम और टेस्ट होते हैं, बट उनके बेसिस पे किसी बच्चे को फेल होके एक क्लास दो बार नहीं पढ़नी पड़ती। अगर यार एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं फिर भी नेक्स्ट क्लास में बच्चे प्रमोट हो जाते हैं। यार जापान में एलिमेंट्री स्कूल यानी कि 8th क्लास से नीचे आप लोग पास हो सकते हो, भले ही तुम्हारे कितने भी कम मार्क्स आए हो, बस एक शर्त पे कि तुम्हारी अटेंडेंस 70% से ऊपर होनी चाहिए। सर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पोकेमोन के बारे में। सर पोकेमोन फैंस के लिए बहुत ज्यादा गुड न्यूज आ रही है, तो यार एक गुड न्यूज और भी आ चुकी है, और वो है पोकेमोन की मूवी हुप्पा एंड द मैजिक रिंग। सर
मतलब रिसेंटली दशहरा के दिन ही पॉकीमोन की मूवी 17 आई थी और पॉकीमोन की मूवी 18 आने वाली है मार्वल HQ पे दिवाली के दिन यानी कि 4 नवंबर को सुबह 10 बजे। अब यार सच बताओ तो मुझे पॉकीमोन फैन से जलन हो रही है यार, मतलब सिंचन और डोरेमोन की एक भी मूवी नहीं आ रही और यार पॉकीमोन की 2-2 मूवी आ चुकी है और साथ में एपिसोड और 2 मूवी नहीं यार 3 मूवी, एक मूवी नेटफ्लिक्स पे आई थी। सो उम्मीद है यार तुम लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही और आज के लिए गुड बाय।